Good morning students, this is Pradyuman sir again in front of you and here comes with you a new video on the topic of your 7th chapter that is your last chapter of your syllabus and after that your annual syllabus, annual examination syllabus will be completed, okay. So, in the previous video, I will just simply taught you about that introduction of internet and way to connect internet, okay. But some of the part of that way to connect internet topic is remaining. So in this video, I am going to capture that whole the topic, and after that, I will also taught you about the popular service on internet. Okay, means some popular service. Okay, not all the popular service. I am just simply tell you about two. Like video conferencing and chatting, that what is video conferencing and chatting. So these such type of topics are going to be discussed in today's video. So stay last with this video, don't skip this video, okay. So before starting this video, I'm just simply saying you that if you are new here in my channel, then go there and subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list so that you can get the notification of my video very firstly. ओके तो देखते हैं क्या है यहाँ पर. सबसे पहला दिया गया है यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले टेलीफोन लाइन. ओके तो टेलीफोन मैंने आपको बताया था पीसी कार्ड के बारे में, ठीक है, कि पीसी कार्ड जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल मॉडम का एक कम्बिनेशन कंबाइंड पैकेज है, ठीक है, यानी कि दोनों को मिला करके जो एक डिवाइस बनती है उसको पीसी कार्ड कहते हैं, ठीक है. तो ये आपका पीसी कार्ड मॉडम हो गया है. आपको जो मॉडम में मैंने आपको तीन टाइप के मॉडम बताए थे, इंटरनल मॉडम, एक्सटर्नल मॉडम और पीसी कार्ड मॉडम, ठीक है. फिर से बता दे रहा हूँ, इंटरनल मॉडम आपके सीपीयू में या लैपटॉप के इंटरनल मदरबोर्ड में पहले से ही प्रीफिक्स होकर आता है, ठीक है, आपको उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. एक्सटर्नल मॉडम जो कि आपके बाहर से लगते हैं, यानी छोटी छोटी जो डिवाइसेस आती हैं जो यूएसबी और इथरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाती हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल मॉडम. और पीसी कार्ड मॉडम जो होते हैं वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल मॉडम दोनों ही लगे होते हैं, बस उसको हमें अपने कंप्यूटर लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट कर लेना होता है. तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे यहाँ पर टेलीफोन लाइन्स के बारे में कि टेलीफोन लाइन्स क्या हैं. अ टेलीफोन लाइन इज़ अ मीडियम दैट इज़ यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक ISP. ओके, इस फुल फॉर्म को हमेशा याद रखना ISP, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है, इवन कई बार ही कॉम्पिटिशन लेवल में भी पूछा जाता है कि ISP स्टैंड फॉर, यानी कि ISP का फुल फॉर्म क्या होता है. तो आपको बताना होगा वहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. वहाँ पर कई सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट ये, इंटरनेट वो, बट आपको भूलना नहीं है, इसको हमेशा याद रखना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ओके, तो टेलीफोन लाइन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि वह कंपनी जो भी हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा रही, लाइक BSNL है, Jio है, वोडा है, मीन्स वोडाफोन, एयरटेल, जिस भी कंपनी का हम ISP चूज़ करते हैं, ISP मतलब वो एक कंपनी जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करा रही है, तो वो कंपनी जो उसका एक टेलीफोन वायर हमारे घर में आता है और हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, इसके बाद ही हमें इंटरनेट सर्विस मिलती है. तो ये हो गया एक टेलीफोन लाइन. इंटरनेट कनेक्शन क्या होगा? एंड इंटरनेट कनेक्शन इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड बाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि वह कंपनी जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. सपोज़ हमारे मोबाइल में Jio की सिम है और वोडा की सिम है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे किस में बेनिफिट मिल रहा है और किसका इंटरनेट सर्विस अच्छा है, ठीक है, जैसे वोडा का सबसे अच्छा है तो मैं वोडा में प्रेफर करता हूँ इंटरनेट सर्विस, ठीक है. जब मुझे लगता है कि वोडा काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, देन आई कैन जस्ट सिंपली स्विच टू Jio. ओके, यानी कि जब वोडा अच्छी चलती है तो मैं वोडा पर रिचार्ज कराता हूँ. जब वोडा मुझे लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, नाउ स्विच टू Jio, मैं Jio पर शिफ्ट हो जाता हूँ, ठीक है. तो इस तरह से ये दो कंपनियाँ जो हैं वो मुझे सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, तो ये दोनों ही कंपनियाँ क्या कहलाएंगी? ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी वह पर्टिकुलर कंपनी जो आपको ये सेवा उपलब्ध कराती है,
ठीक है, कौन सी सेवा, इंटरनेट की सेवा, ठीक है। इन एक्सचेंज फॉर अ फी, फी मतलब यहाँ पर वही रुपए की बात हो रही है, यानी कि आपको वो सुविधा देती है उसके बदले में आप उनको कुछ पैसे देते हैं, जैसे कि आप रिचार्ज करवाते हैं, ठीक है, जैसे जियो में रिचार्ज आपने करवाया वन मंथ का 199 रुपीज़ का, एंड यू गॉट 1.5 GB ऑफ डाटा पर डे, ओके, एंड 100 SMS आल्सो, तो आपको प्रतिदिन 1.5 GB डाटा मिलता है। इसके अलावा अगर आप वोडाफोन में शिफ्ट करते हैं तो इट माइट बी आपको 1.2 GB डाटा मिलता है, और आई थिंक 100 SMS आपको वहाँ पर भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ हैं जो ये कंपनियाँ प्रोवाइड करा रही हैं, इन्हीं को ISP कहते हैं, ठीक है। ये आपको सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, उसके बदले में कुछ फीस या चार्ज लेती हैं, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस इंटरनेट अनलेस यू सब्सक्राइब फॉर अ कनेक्शन विद एनी ISP, ठीक है। यानी कि अगर आपके मोबाइल में एक इंटरनेट कनेक्शन का डाटा पैक नहीं होगा या सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, देन यू कैन नॉट बी एबल और अलाउंस टू एक्सेस इन द इंटरनेट, यानी कि तब आपके पास ये परमिशन नहीं होगी कि आप इंटरनेट को यूज़ कर सकें, ठीक है। इंटरनेट यूज़ करने के लिए आपके मोबाइल में वैलिड डाटा कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन YouTube पर आपको नॉलेज लेने के लिए कोई भी फीस चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको फ्री का ज्ञान मिलता रहेगा। तो सोचिए मत, जाइए और जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए फिर से टॉपिक पर आते हैं कि जैसा इन्होंने बताया कि ये बिना किसी चार्ज के, यानी बिना किसी फीस के, बिना किसी रुपए के ये आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं कराते, आपको एक इंटरनेट पैक परचेज करना ही पड़ेगा। अब ये यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप 1 मंथ का चार्ज लेते हैं, 2 मंथ का लेते हैं, 3 मंथ का लेते हैं, 6 मंथ का लेते हैं, या फिर 1 ईयर का लेते हैं। जितने भी आप टाइम पीरियड का आप डाटा पैक लेते हैं वो आपको उतने टाइम तक सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके बाद दिया गया सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ISPs आर, यहाँ पर कुछ आपको अच्छी कंपनियाँ दी गई हैं, जैसे BSNL जो कि हमारे इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी हो गई, एयरटेल, आइडिया सेलुलर, रिलायंस, सिफी, वोडाफोन, ठीक है, ये कुछ आपकी कंपनियां हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। इसके बाद दिया गया टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, अब यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन के भी टाइप्स दिए गए हैं कि कितने किस किस प्रकार के आपके इंटरनेट कनेक्शन होते हैं। तो सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एग्जिस्ट दैट एनेबल अस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, यानी कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन दिए गए हैं जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस से जोड़ सकते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने डाटा पैक ले लिया, ठीक है, मॉडम हमारे पास है, बट डिपेंड करता है कि वो वायर है या फिर वायरलेस है, ठीक है, यानी कि विद वायर या फिर वायरलेस, ठीक, या फिर हॉटस्पॉट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, मोबाइल डाटा, ठीक है, और भी कई सारे आपके इंटरनेट कनेक्शन होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर दिया गया डायलअप कनेक्शन। डायलअप कनेक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पर डायलअप कनेक्शन रिक्वायर द यूज़र टू लिंक देयर फोन लाइन टू अ कंप्यूटर, यानी फ़ोन लाइन यानी वही जो वायर है आपका, आपके घर में जो तार आता है फ़ोन लाइन का, टेलीफोन वायर, उसको आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होता है इन ऑर्डर टू एक्सेस द इंटरनेट, यानी अगर आपको इंटरनेट सर्विस चाहिए तो आपको वो फ़ोन का जो वायर है वो आपको अपने कंप्यूटर के इथरनेट पोर्ट पर लगाना होगा। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कनेक्शन डज नॉट अलाउ द यूज़र टू मेक और रिसीव फोन कॉल्स थ्रू देयर होम्स फोन सर्विस वाइल यूजिंग द इंटरनेट, यानी कि इस सर्विस के दौरान आप अपने फ़ोन जो आपका टेलीफोन है उस पर जो कॉल्स आएंगी आप उनको रिसीव नहीं कर पाएंगे, ना ही आप कोई कॉल कर पाएंगे, ठीक है। मतलब आप इंटरनेट कॉल सेवा का, फ्री कॉल सेवा का आप यूज़ कर सकते हैं, बट आप सोचें कि मतलब आपका नंबर वही है और आप सोचो कि मैं अपने इस नंबर पर कॉल करूँगा और मेरी बातचीत हो जाएगी टेलीफोन के थ्रू, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो टेलीफोन वायर है वो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट है, ना कि आपके टेलीफोन डिवाइस से, ठीक है। इसके बाद दिया गया है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है, एज द टर्म सजेस्टेड दिस कनेक्शन यूज वाइड बैंडविड्थ विच प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस थ्रू वेरियस ट्रांसमिशन मीडियम, इट इज़ सिग्निफिकेंटली फास्टर देन डायलअप कनेक्शन, ठीक है, यानी कि ये जैसा कि इसका नाम वैसा ही इसका काम, यानी कि यह हमें एक बहुत अच्छी बैंडविड्थ
नेटवर्क स्पीड प्रोवाइड कराता है जिसके ज़रिए हमारा इंटरनेट का जो कनेक्शन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है डायल अप कनेक्शन के कंपैरिजन में, के मुकाबले में हमारा जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, यूजिंग ब्रॉडबैंड यू कैन शेयर वीडियो, डाउनलोड म्यूजिक, प्रोग्राम, फोटो विद इन नो टाइम। ठीक है, यानी कि बिल्कुल समय भी नहीं लगता और आपका वो काम हो जाता है। ब्रॉडबैंड आपने सर्विस कई जगह देखी होगी, इवन अपने स्कूल में भी लगा हुआ है ब्रॉडबैंड। आप बस पासवर्ड एक्सेस करिए एंड आफ्टर दैट यू कैन जस्ट सिंपली कनेक्ट विद दैट वाईफाई एंड यू कैन सिंपली डाउनलोड वट एवर यू वॉन्टेड टू बी डाउनलोड। ओके, आपको जो कुछ भी डाउनलोड करना है आप चंद सेकेंडों में उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ की जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट है। आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे और आपका वो चीज़ डाउनलोड हो जाएगी। मतलब अगर 100-200 MB की है तो इवन दैट विल जस्ट डाउनलोड इन आई थिंक माइट बी 15-20 seconds। ओके, यानी 10-20 seconds में आपकी वो जो भी चीज़ होगी 100-200 MB की वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इवन 1 GB ऑफ डाटा विल जस्ट सिंपली डाउनलोडेड इन योर मोबाइल फ़ोन विद अबाउट 40-50 minutes और इट विल टेक अबाउट 20 minutes, सॉरी नॉट 20 minutes, ओनली 1 minute। ओके, 1 minute तक लग सकता है, 1 minute के अंदर आपका ये जो आपका जो कुछ भी डाटा होगा वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ओके, इसके बाद दिया गया, अनलाइक अ डायलअप कनेक्शन अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन डज नॉट डिस्टर्ब योर फोन लाइन, सो यू कैन फ्रीली टू मेक अ एंड रिसीव कॉल वाइल ऑनलाइन। यानी कि डायलअप कनेक्शन में जैसे आपका जो वायर है वो आपके डायरेक्टली उसमें कनेक्ट होता था, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इसमें आपका जो टेलीफोन है टेलीफोन लाइन से एक और इथरनेट वायर निकल कर आता है जो आपके मॉडम में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी ब्रॉडबैंड कनेक्शन में आपके कनेक्ट हो जाता है, तो इसके ज़रिए आप क्या है कि आपका इंटरनेट एक्सेस भी रहेगा और आपके फ़ोन कॉल्स भी आते रहेंगे। यानी कि अगर आपका फ़ोन कॉल आ रहा है और आप सोचें कि फ़ोन कॉल आते समय आपका जो इंटरनेट सर्विस है वो बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है, आप फ़ोन पर बात भी चलती रहेगी और इवन आप खुद फ़ोन भी कर सकते हैं और आपका इंटरनेट भी ऑनलाइन परमानेंट रहेगा। ठीक है, नाउ केबल टीवी कनेक्शन, व्हाट इज़ दैट केबल टीवी कनेक्शन? तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज़ प्रोवाइडेड थ्रू केबल टीवी लाइन, इट यूजेज अ केबल मॉडम विच प्रोवाइड एक्सट्रीमली फास्ट एक्सेस टू द इंटरनेट। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज स्पीड से आपको डाटा प्रोवाइड कराता है। क्यों? क्योंकि ये टीवी में देखो जो केबल टीवी वायर होता है वो बेसिकली किस लिए होता है, मतलब इंटरनेट के छोड़ो, पहले यहाँ पर ध्यान दो कि हम लोग उसमें परमानेंट कोई ना कोई प्रोग्राम बफर करते रहते हैं। ठीक है, और क्या आपका प्रोग्राम कभी डिस्टर्ब होता है? सपोज आप CID देख रहे हैं एंड देर इज़ नो लैग एंड देर इज़ नो बफरिंग बिटवीन द चैनल। ओके, यानी कि जब चैनल चल रहा होता है तो सपोज हम सोनी TV चैनल ओपन किए हैं एंड आफ्टर दैट वो हमें एक फ्रिक्वेंटली वे में एक वीडियो प्रोवाइड कराता है जो कि काफ़ी हद तक क्लियर होती है और हम लोगों को समझ में भी आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी अच्छे पिक्सल्स पर, यानी कि 720 पिक्सल्स पर वो वीडियो चल रही है एंड इवन दैट इट विल गिव यू अ वेरी फास्ट एक्सेस टू द इंटरनेट। यानी वह भी एक अच्छा खासा इंटरनेट का माध्यम होता है क्योंकि उस पर भी लगभग 150 MBPS की से ज़्यादा स्पीड आती है, और ज़्यादा स्पीड मान लीजिए आप। ठीक है, तो ये आपको बहुत तेज इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, तो आप केबल टीवी का भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ सैटेलाइट कनेक्शन, सैटेलाइट कनेक्शन क्या है? इन एरिया वेयर ब्रॉडबैंड फैसिलिटी इज़ नॉट येट अवेलेबल, यानी कि अभी भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अभी भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं पहुँच सकता, जैसे पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, या फिर रेगिस्तानी इलाके हैं जहाँ पर अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपका जो टेलीफोन लाइन्स है वो नहीं पहुँच सकती बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस। ठीक है, यानी कि वहाँ कई काफ़ी गर्मी पड़ती है, वहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है, प्लस दूसरी चीज़ पहाड़ों पर पोल्स स्टेबल करना इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क, यानी कि ये बहुत आसान काम नहीं है कि आपने इजीली सोचा और वायर वहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि वहाँ पर आए दिन लैंडस्लाइड होना और भी कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से आपके कनेक्शन कट जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर टेलीफोन जो ISP प्रोवाइडर्स हैं वो इतनी ईजिली इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो वहाँ पर सेटेलाइट कनेक्शन चलता है। ठीक है, सेटेलाइट कनेक्शन आ रही है वहाँ पर जहाँ पर ऐसी चीज़ें मतलब टेलीफोन लाइन्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर सेटेलाइट कनेक्शन चलता है। दिस रिक्वायर्ड अ सेटेलाइट, यानी इसके लिए एक सेटेलाइट लगती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन सेटेलाइट।
ठीक है, वही कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो हमें मनोरंजन कराती है वही इन लोगों को कनेक्शन भी देती है। नाउ डिश टू बी इंस्टॉल्ड इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू द सेटेलाइट, यानी कि वहाँ पर लाइक द डिश एंटीना, जो हमारे घर पर डिश एंटीना लगे हुए हैं, डिश टीवी और टाटा स्काई टाइप की जो डिश टीवी होती है, ऐसी ही बड़ी सी छतरी वहाँ पर भी लगी होती है और उससे ही सारे वायर्स कनेक्टेड होते हैं, वो हमें एक काफ़ी फास्ट इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसके बाद दिया गया DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब यहाँ पर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या है, आ DSL यूजेस टू वायर कॉपर टेलीफोन लाइन, यानी कि इसमें एक ऐसी वायर यूज़ होती है जिसमें दो कॉपर वायर एक साथ रन करते हैं। ठीक है, मतलब एक जो USB पोर्ट होता है उसमें आपके फोर वायर्स होते हैं, कॉपर फोर वायर्स होते हैं, ठीक है, जबकि एक और USB होती है जिसमें थ्री का होता है, ठीक है, 3.0 वर्जन। एक ये जो होती है इसमें टू कॉपर वायर्स होते हैं। इट अलाउ यू टू मेक अ कॉल इवन व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यानी कि ये आपको जब आप इंटरनेट चला रहे होते हैं आप उसके दौरान पर भी आप अपना मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज के टाइम में जैसे हम लोग जियो की सिम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं भी अभी इस टाइम जियो की सिम ही यूज़ कर रहा हूँ, और इवन आई एम जस्ट सिंपली आई वॉन्टेड टू डाउनलोड अ मूवी, ओके, मैं एक मूवी डाउनलोड करना चाहता हूँ। मूवी डाउनलोड करते के दौरान सपोज़ मुझे एक कॉल आती है एंड आई वॉन्टेड टू जस्ट सिंपली रिसीव दैट पर्टिकुलर कॉल, तो मुझे उस कॉल को रिसीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे जस्ट सिंपली उस कॉल को रिसीव कर लेना होगा, ठीक है, बिना किसी डर के कि मेरा डाउनलोडिंग कहीं बंद तो नहीं हो जाए। क्योंकि पहले के टाइम पे जो सिम आती थी उनमें क्या होता था, अगर आपकी कॉल चल रही है तो आपका इंटरनेट सर्विस बंद हो जाती थी, यानी कि एक टाइम पर एक ही काम होता था, दैट इज़ नॉट अ मल्टीटास्किंग प्रोसेस, यानी कि वो एक मल्टीटास्किंग प्रोसेस नहीं थी। लेकिन आज के समय में जो सिम आ रही हैं, ठीक है, वो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं कि जिसमें हम ईजिली इंटरनेट का भी मज़ा ले सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं एट अ सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में दोनों काम इकट्ठे एक साथ हो सकते हैं। यानी कि सपोज़ अगर हॉटस्पॉट से मेरा दूसरा फ़ोन कनेक्ट है और मैं इस फ़ोन पर बात कर रहा हूँ तो उस फ़ोन पर ईजिली इंटरनेट चलता रहेगा। ओके, नाउ उसके बाद दिया गया इफ़ इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन वेयर यू कैन रिक्वायर टू पे अ मंथली फीस टू एन ISP फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट, यानी कि यह भी एक ब्रॉडबैंड सर्विस की तरह ही है जो कि आपकी मंथली फीस पर आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आप पैसा देते जाइए मंथली और आपका डाटा चलता रहेगा। इसके बाद दिया गया वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन क्या है, वायरलेस कनेक्शन मेक यूजेस ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड ऑफर ग्रेट स्पीड, यानी कि यह भी आपको अच्छी खासी स्पीड प्रोवाइड कराता है और वायरलेसली होता है टोटली। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी आपके घर में तार वार नहीं आते, ना ही आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम को किसी तार से कनेक्ट करना होता है, एक जस्ट सिंपल देर इज़ अ मॉडम इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन जस्ट सिंपली एक्सेस विद दैट मॉडम, लाइक जियो फाई, एयरटेल वाई फाई, वोडाफोन वाई फाई, ओके, तो आप इस टाइप से आप कोई भी ISP चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कैसे, सो इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशन दैट कम्स अंडर द नेटवर्क कवरेज एरिया, यानी बस वो जगह जहाँ पर आपका मॉडम है वो जगह नेटवर्क कवरेज एरिया के रिक्वायरमेंट में आना चाहिए, यानी कि अगर वहाँ पर आपके नेटवर्क बैंडविड्थ अच्छी है, यानी कि टावर सही आ रहे हैं, इन दैट कंडीशन आपका नेट ईजिली चलता रहेगा और आपको एक अच्छी खासी स्पीड प्रोवाइड कराता रहेगा। एक इट रिक्वायर्ड अ वाईफाई मॉडम टू बी कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर, यानी कि एक वाईफाई मॉडम जो होता है वह आपके कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट हो जाता है USB पोर्ट के थ्रू। ठीक है, एक छोटा सा एक मतलब एक डिब्बी टाइप की आती है, आप लोगों ने शायद देखा हो या हो सकता है आपके घर में हो इस वक्त, तो उसमें क्या होता है, बस एक सिम आपको इंस्टॉल करनी होती है। सपोज़ आपने कोई भी कंपनी की BSNL, वोडा, आइडिया, जियो, किसी भी की आप सिम आपने इंस्टॉल की एंड आफ्टर दैट आपने उसको USB पोर्ट से कनेक्ट किया, एक छोटी सी डिब्बी होती है, ठीक है, जैसे ही आपने उसको USB पोर्ट से कनेक्ट किया और आपको बस क्या करना होता है, कंप्यूटर की सेटिंग्स पर जाकर आपको मोबाइल डाटा ऑन करना होता है, आपने ऑन किया और आपका इंटरनेट चलने लगता है, वह आपको अच्छी खासी स्पीड प्रोवाइड कराता है, बस उसमें भी आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है मंथली। ठीक है, अब इसके बाद दिया गया मोबाइल इंटरनेट। मोबाइल इंटरनेट में क्या बताया गया है, मोबाइल इंटरनेट अलाउ अ यूज़र टू एक्सेस इंटरनेट ओवर अ स्मार्टफोन यूजिंग द नेटवर्क प्रोवाइडेड बाय द फोन सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि
ये तो हर कोई जानता, हर बच्चा बच्चा जानता होगा इसके बारे में। तो अगर मैं ना भी बताऊं तो उल्टा तुम लोग मुझे समझा दोगे कि सर मोबाइल इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। यानी कि एक छोटी सी नैनो सिम लगती है, उस नैनो सिम को हम लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करते ही बस ऊपर से नोटिफिकेशन बार को स्क्रॉल डाउन करना होता है और वहाँ पर जो मोबाइल नेटवर्क एक आइकन होता है उसको हमें जैसे टैप करते हैं और मोबाइल नेटवर्क ऑन होता है, यानी डाटा कनेक्शन ऑन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, बस फिर तो सीधे यूट्यूब ओपन होता है, ठीक है। तो दिस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस, दिस जनरली वेरीज बिटवीन 2G 3G एंड 4G। यानी कि ये जो मोबाइल इंटरनेट है वो 2G 3G और 4G के बीच में एक्सेस करता है, लेकिन अब यहाँ पर एक कॉलम मिसिंग है, वो है 5G का, ठीक है। चूँकि 5G मोबाइल फ़ोन्स भी आ गए हैं और बहुत जल्दी ही आप इंडिया में 5G सर्विस भी आ जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पर कि ये जो सिस्टम है इसमें सिर्फ हमें एक छोटी सी सिम अपने मोबाइल फ़ोन में इंसर्ट करनी होती है। जैसे ही हम लोग इंसर्ट करते हैं बस इसके बाद हम लोगों को मोबाइल डाटा ऑन करना, और मोबाइल डाटा ऑन करते ही हम लोगों का नेट चालू हो जाता है, और मतलब जो भी डाटा पैक हम लोगों ने डलवाया होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को डाटा कनेक्शन मिलने लगता है उतने टाइम पीरियड के लिए। इसके बाद दिया गया हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट आर साइट्स दैट प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 20 meters। यानी हॉटस्पॉट वही जियो फाई लाइक, ठीक है, वो छोटी सी डिब्बी जो जियो की आती है और एयरटेल वोडा की आती है, तो उनको कहते हैं हॉटस्पॉट, ठीक है। वो एक हॉटस्पॉट होते हैं जो कि आपको लगभग 20 मीटर के रेंज में आपके मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पर वेरी करता है डिस्टेंस, जितना ज़्यादा पास उतना अच्छा कनेक्शन, जितना ज़्यादा दूर उतना कनेक्शन लॉस होता जाता है, ठीक है। इसके बाद दिया गया इट यूजेज अ वाईफाई टेक्नोलॉजी एंड अलाउ द यूज़र टू कनेक्ट द इंटरनेट थ्रू रेडियो वेव्स। यानी कि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल को रेडियो वेव्स के थ्रू अपने फ़ोन को उस हॉटस्पॉट डिवाइस से कनेक्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। हॉटस्पॉट कैन बी फोन बेस्ड, कॉमर्शियल और फ्री टू पब्लिक, एंड कैन बी फाउंड एट अ प्लेस सच एज एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटीज़, कैफ़े एंड होटल्स। वही वाईफाई जो आपको रेलवे स्टेशन पर मिलता है उसको भी आप हॉटस्पॉट बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक आप उस रेलवे हॉटस्पॉट के पास आपका मोबाइल रहता है आपकी नेटवर्थ अच्छी आती है, स्पीड बहुत तेज होती है, ठीक है। 500 kbps से आपके 5-5, 10-10 kbps तक चला जाता है डाटा, ठीक है, और काफ़ी तेज़ स्पीड होती है उसकी, और हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, और बट उसका एक टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन होता है 30 मिनट का, ठीक है। लेकिन कुछ आपके ऐसे भी होते हैं जो आपको फ्री टू टाइम प्रोवाइड कराते हैं। फ्री टू टाइम यानी कि आप चाहे कितने भी घंटे आप इंटरनेट का यूज़ करें वो आपसे मतलब उसमें कोई भी टाइम पीरियड लिमिट नहीं होता, ठीक है। जबकि आपके रेलवेज़ में 30 मिनट का टाइम पीरियड लिमिट है, आप 30 मिनट से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद अगला दिया गया है, सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो दैट इज़ पॉपुलर सर्विस ऑन द इंटरनेट। अब यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक बात किया सेवरल इंटरनेट कनेक्शंस के बारे में, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पॉपुलर सर्विसेज, यानी कि इंटरनेट हमें कौन कौन सी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराता है जिनके इस्तेमाल से हम लोग अपने डेली यूज़ का काम कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा देयर आर मैनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट विच मेक आवर लाइफ बेटर। सम ऑफ द वाइडली यूज इंटरनेट सर्विस आर, सबसे पहला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि अप्रैल के महीने में, अप्रैल या मई में आई थिंक मैंने खुद कौन सा एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड करवाया था आप लोगों को मैं भूल गया, आई थिंक इट्स जियो मीट और कौन सा सॉफ्टवेयर था जिसको मैंने आपको डाउनलोड करवाया था। ओके, जिसको पता हो वो व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट करके बताए कि मैंने आपको कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाया था गर्मियों की छुट्टियों में, और उसी के ज़रिए हम लोगों ने सबने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी, ठीक है। और मैंने उस पर लगभग आई थिंक 4-5 or 6 माइट भी लगभग 5-6 क्लासेस मैंने उसमें पढ़ाई भी हैं आप लोगों को, मैंने उसमें डाउट्स क्लियर किए थे आपको। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पर इनका पहला जो सर्विस है वो बताई गई है, इसके बारे में बताया गया। अब वीडियो कॉन्फ्रेंस इज़ अ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग ऑडियो एंड वीडियो एट अ सेम टाइम बिटवीन पीपल सिटिंग एट अ
जियोग्राफिकल डिफरेंट लोकेशन, यानी कि इसमें बताया गया है कि हम लोग चाहे कितनी भी दूर हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, देखो वीडियो कॉलिंग एक अलग होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक अलग होता है। ठीक है, दोनों टर्म को ध्यान से सुनना। वीडियो कॉलिंग में क्या होता है, हम लोग सिर्फ एक मतलब दो लोग आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। यानी सपोज़ मैंने किसी के स्टूडेंट को फ़ोन लगाया और हम लोग आपस में वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक ग्रुप कनेक्ट होता है। ठीक है, जिसमें एक हेड होता है और उसके कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, या फिर एक टीचर होता है और उसके कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, लाइकवाइज मी एंड यू। ठीक है, जैसे कि आप और मैं, हम दोनों लोगों ने मिलकर मई में कई सारे ऑनलाइन क्लासेस, लग कई सारे तो नहीं कह सकते, बट 5 to 6 ऑनलाइन क्लासेस हमने रन किए थे और कई बच्चों ने अटेंड भी किए थे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, द पार्टिसिपेंट कैन व्यू ईच अदर ऑन देयर मॉनिटर एज वेल एज हेयर देयर वॉइस ओवर स्पीकर ऑफ देयर लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपके मोबाइल में जो स्पीकर है उसके थ्रू आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी और मेरे स्पीकर पर आप लोगों की, मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली क्लास रन कराई थी तो फर्स्ट ऑनलाइन क्लास में जब मैंने देखा था तो सभी के जो माइक थे वो ऑन थे और सबकी ही आवाज़ आ रही थी। इवन उनके पीछे जो गार्जियंस थे उनकी भी आवाज़ें आ रही थी, जो छोटे घर में जो छोटे बच्चे थे उनकी भी चिल्लाने की, रोने की, गाने की आवाज़ आ रही थी। तो मतलब वो क्लास नहीं लग रही थी, मतलब सब कुछ हौचपौच हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन बोल रहा है, किसको चुप कराऊं, किसको नहीं, तो सभी लोग। लेकिन सेकंड जो क्लास थी उसमें सभी ने वेल मेंटेन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को ओबे किया और बहुत अच्छी तरह से वो क्लास रन हुई। सभी ने अपने डाउट्स भी क्लियर किए बहुत अच्छी तरह से। वो एक जो 30 या 40 मिनट की जो क्लास थी वो बहुत अच्छी तरह से रन हुई। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक दूसरे की आवाज़ और एक दूसरे को सेम टाइम पर देख सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है। ठीक है, नाउ इट इन्वॉल्व द यूजेस ऑफ अ कैमरा नोन एज वेबकैम एज वेल एज अ माइक्रोफोन एट द एंड ऑफ ईच पार्टिसिपेंट टू कैप्चर वीडियो एंड ऑडियो डाटा इन रियल टाइम। इसके लिए सिर्फ एक कैमरा, यानी जिसको हम लोग वेबकैम कहते हैं, जो आपके कंप्यूटर में लगा होता है, या जिसको हम लोग फ्रंट फेसिंग कैमरा कहते हैं, जो हम लोगों के मोबाइल फ़ोन में होता है, इसको हम लोग आज के टाइम में सेल्फी कैमरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही वेबकैम या सेल्फी कैमरे की ज़रूरत पड़ती है और साथ में एक माइक, वो माइक जो हमारे मोबाइल फ़ोन में या तो एट द टॉप ऑफ द मोबाइल फ़ोन या फिर एट द बॉटम ऑफ द मोबाइल फ़ोन, यानी कि या तो नीचे या फिर ऊपर होता है एक माइक, जिसके थ्रू हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं वो हम लोगों की आवाज़ उसमें ईज़िली कैप्चर होती है और वो सामने वाले व्यक्ति को सुनाई देती है। ठीक है, इसके बाद दिया गया इमेज एंड साउंड आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंटरनेट एंड डिलीवर्ड टू अदर पार्टिसिपेंट। हाँ, जैसा मैंने बताया कि आपका जो भी फुटेज है, जो कुछ भी वीडियो है जो आप कैमरे के सामने बैठ के कर रहे हैं, वो सारी ही चीज़ें आपकी रिकॉर्ड होकर मेरे सामने या सभी बच्चों के सामने, सपोज़ जैसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में रखूँ और उसमें आप सभी लोग आपस में कनेक्ट हों, तो आप जो कुछ भी करेंगे वो हर एक चीज़ उसमें रिकॉर्ड होती जाएगी। इसके बाद दिया गया दिस टेक्नोलॉजी इज़ मेनली यूज फॉर वर्चुअल मीटिंग एमंग अ ग्रुप ऑफ अ पीपल टू डिस्कस पॉलिटिकल, बिजनेस, मेडिकल और सोशल अफेयर। यानी इस प्रकार की जो मीटिंग्स होती हैं वो एक प्रकार की मीटिंग्स आप मान लीजिए, जिसमें क्या होता है कि लोग आपस में बैठकर किसी चीज़ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक, जैसे हम लोगों ने जब मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था तो आप लोगों का पहला लेसन कौन सा था। ठीक है, तो अपन का जो भी पहला, यानी कि मैं बता रहा हूँ, वेट अ मिनट। ठीक है, पहला लेसन था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स थे मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको डिस्कस किए थे। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था आपको कि हर एक चीज़ के बारे में बच्चों ने मुझसे कई सारे सवाल पूछे थे, ये कंप्यूटर कब इन्वेंट हुआ, किसने किया, सर इस सर्च इंजन और डिफरेंट एनालिटिक्स, सॉरी मैं भूल गया, हाँ डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या क्या अंतर हैं। ठीक है, और इन दोनों को ही किसने किया, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस दिन डिस्कस किए थी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर बताया गया है आपको
मैनी ए अ टाइम वी सी ऑन द टेलीविजन दैट अ प्रोग्राम होस्ट इज कंडक्टिंग इंटरव्यू एमंग सेवरल पार्टिसिपेंट सिटिंग इन डिफरेंट सिटीज और कंट्रीज, दिस इज डन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी कि हम लोग कई बार न्यूज़ चैनल पर देखते हैं कि जब एक बहस चलती है, बहस जिसको बोलते हैं डिबेट, ठीक है, तो जो डिबेट्स होती हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार, कई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो प्रवक्ता होते हैं, बोलने वाले जो होते हैं, वो आप अलग अलग सिटियों से, शहरों से कनेक्ट होते हैं और हम लोगों को टीवी पे बाकायदा साफ दिखाई देते हैं। तो वो सारे लोग क्या होते हैं, उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग उनकी बातचीत सुन पाते हैं, ठीक है। कई बार तो क्या होता है कि वर्चुअल यानी कि आमने सामने ही हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही ये पॉसिबल होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस टाइम पर कोई और भी, क्योंकि चूँकि पॉलिटिकल लोग हैं तो उनके पास अपना खुद का एक अलग का वर्क रहता है, तो वो एट दैट सेम टाइम वो उस चीज़ को अटेंड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। यानी हो सकता है कि जिस टाइम पर उनका इंटरव्यू हो या जिस टाइम पर उनकी डिबेट हो, उस टाइम पर वो हो सकता है शायद कहीं किसी और लोकेशन पर हों, तो वो उस जगह पर ना पहुँच कर क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने आप को उस डिबेट से कनेक्ट करते हैं और उसमें अपने मुद्दों को क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको ऐसे सॉफ्टवेयर बताए गए हैं जो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने में, आजकल तो सारे ही एप्लीकेशन आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देते हैं, जैसे लाइक गूगल है, व्हाट्सअप है, स्काइप है, ठीक है, और इवन आप आजकल कॉल भी करते हैं तो कॉल में भी आपको बगल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक बटन मिलता है, जिसके थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आप इजीली लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। IMO हो गया, IMO भी एक अच्छा बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन इंक्लूड स्काइप, एडोब कनेक्ट, ओवू, युगमा, एकीगा, ठीक है, ये सारे कुछ हैं, ठीक है, काफ़ी अटपटे नेम हैं बट हैं, यही है, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस चैटिंग, चैटिंग इज़ वॉट, चैटिंग मतलब होता है कि जब भी आप मुझसे बातचीत करते हैं या कोई भी चीज़ डिस्कस करते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों के मैसेज, हम लोगों के आइडियाज़, हम लोगों के व्यूज़ एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं, और इसी आइडियाज़ और व्यूज़ को शेयर करने की जो प्रोसेस है इसको ही चैटिंग कहते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, अ चैट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन बिटवीन वन और मोर यूज़र इन विच मैसेज आर एक्सचेंज बैक एंड फोर्थ इन रियल टाइम थ्रू अ चैट सॉफ्टवेयर। यानी कि चैट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग रियल टाइम में कोई भी मैसेज को बैक एंड फोर्थ ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि कोई भी मैसेज है या कोई भी चुटकुला है, कोई भी मीम है, शेयर कर दिया उसको, जैसे ही शेयर करते हैं एट दैट सेम टाइम वो उस पर्टिकुलर पर्सन या फिर उस पर्टिकुलर ग्रुप में क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, जिसके ज़रिए हम ईजीली बहुत आसानी से क्या होता है, जैसे सपोज़ आपने मुझे अभी क्या पढ़ा था, मकर संक्रांति, तो बहुत से बच्चों ने मुझे मकर संक्रांति पर विश किया, ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने मुझे मैसेज किया मेरे पास तुरंत ही मैसेज आ गया, ठीक है, मोबाइल में, और सबके मैंने मैसेज भी चेकआउट किए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर दिया गया है चैट मैसेज आर जनरली शॉर्ट जस्ट टू इनेबल अदर पार्टिसिपेंट टू रिस्पॉन्ड क्विकली। यानी कि एक छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं जिसके ज़रिए, मतलब एक ऐसी बातचीत जिसमें हम लोग दूसरे को बोलने का या दूसरे को भी चैट करने का मौका देते हैं, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली इन द सेंस, जैसे मैंने यहाँ से आपको लिखकर भेजा हाय, तो आप वहाँ से भी मुझे हाय सेंड करोगे, ठीक है, फिर मुझे हाउ आर यू, कैसे हो तुम, तो तुरंत तुम लोग सर मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे, मैं भी अच्छा हूँ, क्या कर रहे हो सर, खेल रहे, हमें पढ़ाई कब करोगे, तो ये छोटे छोटे जो मैसेजेस हैं वो हम लोग आपस में शेयर करते हैं, डिलीवर करते हैं, एक दूसरे एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के बीच में या फिर ग्रुप में भी। यानी कि एक हम छोटा सा ग्रुप बना लें फिफ्थ क्लास का, ठीक है, जैसे कि अपना गूगल क्लासरूम है, तो गूगल क्लासरूम भी कह सकते हैं कि एक चैट सर्विस प्रोवाइड भी करता है वो, क्योंकि हमने बहुत से बच्चों को देखा है कि बहुत से बच्चे उसमें उसी में बातचीत करने लग जाते हैं, मैंने कई क्लासों में ऐसा देखा है कि बच्चे उसी में जो है वो एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लग देते हैं, जब मैंने सपोज एग्ज़ाम है तो एक दूसरे को लगे बेस्ट ऑफ लग देने में, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ अ चैट सॉफ्टवेयर, ओके। तो यहाँ पर दिया गया चैट इज़ आल्सो नोन एज ऑनलाइन चैट और इंटरनेट चैट, ठीक है, यानी चैट को हम लोग
इंटरनेट चैट और फिर ऑनलाइन चैट के नाम से भी जानते हैं। ये दो जो वेरियस शब्द हैं इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये भी आ जाता है कि द सेकेंड नेम ऑफ चैट इज़ वाट, तो आपको बताना पड़ता है वहाँ पर कि चैट का सेकेंड नेम क्या है, ऑनलाइन चैट या फिर इंटरनेट चैट। ओके, चैट नॉट ओनली अलाउ यू टू एक्सेस टेक्स्ट मैसेज बट इट आल्सो अलाउ यू टू इंटरेक्ट विद अदर यूज़र थ्रू वॉइस एंड वीडियो चैट्स। ठीक है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि आप इसमें सिर्फ टेक्स्ट मैसेज को ही सेंड कर सकें, इसमें आप वॉइस को भी सेंड कर सकते हैं। कई बच्चे हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट एक थर्ड क्लास की लड़की है, वो जब भी व्हाट्सएप पर बात करती है तो वॉइस मैसेज ही सेंड करती है, हमेशा वॉइस मैसेज ही सेंड करती है। सर ये लेसन आप कब करवाओगे, ये लेसन आप पूरा हो गया सर, हम आपको इसके पिक्चर सेंड कर दें सर, अगर कोई फेस्टिवल है तो विशेज भी उसकी वॉइस नोट्स में ही आती हैं। ठीक है, मैं जब भी देखता हूँ, जब भी वो मैसेज खोल के देखता हूँ, मैंने उसको एक दो बार बोला भी कि वॉइस मैसेज ना भेज कर डायरेक्ट मैसेज टाइप करके भेजा करो, तो बोले नहीं सर इसमें मुझे ईजी पड़ता है। तो मैं कहा चलो भाई तुम्हें जिसमें ईजी पड़ता हो तुम वो काम करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगला दिया गया है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चैट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, वन कैन चैट थ्रू इंस्टेंट मैसेंजर, अ चैट रूम और चैट वेबसाइट ETC, हाउएवर मोस्ट ऑफ देम रिक्वायर द यूज़र टू गेट रजिस्टर फर्स्ट। यानी कि भले ही आपको चैटिंग करना हो, लेकिन चैटिंग करने से पहले आपको उस सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अगर आपका उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है देन यू कैन नॉट यूज़ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। जैसे आप व्हाट्सएप पर भी सबसे पहले अपना नाम, अपनी जीमेल आईडी, इसके साथ एक OTP आता है वो, मोबाइल नंबर और भी कई सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनकी जो प्राइवेसीज़ हैं आप उनको पहले कंप्लीट करते हैं, आफ्टर दैट आप चैटिंग शुरू कर पाते हैं। फेसबुक मैसेंजर्स में भी आप पहले उसमें आपको अपनी आईडी के साथ लॉगिन करना पड़ता है, जब आप अपनी आईडी के साथ लॉगिन करते हैं तभी आप चैटिंग शुरू कर पाते हैं, टिल देन आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। हैंगआउट में भी सेम कंडीशन है, जब तक आपके पास गूगल आईडी नहीं होगी, मीन्स जीमेल आईडी नहीं होगी, तब तक आप अपने मैसेज या अपने चैट्स को शेयर या अपने आपकी जो भी बातचीत है वो आप दूसरे को शेयर नहीं कर पाएंगे। तो हर एक चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे, ज़रूरी नहीं कि चैटिंग से ही रिलेटेड हो, इवन को किसी भी प्रकार का कोई भी आप इवन अभी हम लोगों ने जो एप्लीकेशन यूज़ किया था अप्रैल मई में, उसमें भी हम लोगों ने अपनी जीमेल मतलब जो भी आईडी से कंप्लीट किया हो उससे हम लोगों ने अपने आईडी को क्लियर किया, एंड आफ्टर दैट मैंने आपको एक पर्टिकुलर पासवर्ड दिया। ठीक है, पासवर्ड जिसको बोल सकते हैं मीटिंग आईडी और जब पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया तभी तो जाकर आप मेरी उस वीडियो को जो आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस थी आप उसमें एक्सेस कर पाए, अगर मैं आपको नहीं देता तो क्या होता, आप क्या उसमें एक्सेस कर पाते नहीं। तो ज्वाइन अ मीटिंग हम लोग तभी क्लिक कर पाएंगे जब हम लोगों के पास एक आईडी और एक पासवर्ड होगा। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, इसके पहले भी एक वीडियो आ चुकी है और ये सेकंड वीडियो है, इसके बाद शायद एक या दो वीडियो और आएंगी, एंड आफ्टर दैट योर 7th चैप्टर इज़ टू बी कम्प्लीटेड। सो जस्ट सिंपली वाट एवर योर वर्क दैट आई हैव कम्प्लीटेड इन गूगल क्लासरूम, take all the pictures, take all the screenshots from there and complete your work within time, okay? यानी अपना जो भी काम मैंने आपको गूगल क्लासरूम पर दिया है वो आप अपना कंप्लीट करिए, लर्न करते रहिए। मैंने आपको एनुअल का सिलेबस आपको सेंड कर ही दिया, एनुअल एग्जामिनेशन का। ठीक है, एक्सरसाइजेज याद कर कंप्लीट कर लेना है। एंड ये चीज़ मैं कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कि ऑफलाइन, तो बेटा जब तक कोई हम लोगों को पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है स्कूल से इंस्टीट्यूट से तब तक आप ऑनलाइन ही समझिए। ठीक है, जब हम लोगों को कोई नया मैसेज मिलेगा या स्कूल खुलने का कोई ऐसा मैसेज मिलता है इन दैट कंडीशन हम आपको बता देंगे कि आपके पेपर ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। ठीक है, तो टिल देन वेट करिए आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। मैं इस वीडियो को स्टॉप करना जा रहा हूँ, बट स्टॉप करने से पहले अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं
मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और मेरे चैनल पर अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में या जो भी वीडियोज़ आप देखते हैं उनमें अगर आपको लगता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, देन यू कैन जस्ट सिंपली प्रेस द लाइक बटन, लाइक बटन ज़रूर दबाया करें। उससे हम लोगों को भी लगता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड एंड कलीग्स के साथ ताकि उनको भी इस टाइप से जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उनके बारे में नॉलेज मिल सके। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। गुड बाय स्टूडेंट्स।